तो अयोध्या में 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिससे लोगों में उत्साह है। लेकिन वहीं इसी बीच राजधानी रांची में एक अप्रिय घटना घट गई। रांची के बरियातो स्थित डीएवी स्कूल के समीप मंदिर में मौजूद देवी देवताओं की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्व द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके बाद लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर हमारे सहयोगी सौरव रॉय ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रांची वाले उत्साहित थे। लेकिन इसी बीच रांची के डीएवी स्कूल के सामने एक मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसके अंदर स्थापित मूर्तियों को तोड़ा गया है। देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर मौजूद करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यह भी अप्रिय घटना राजधानी रांची में घट चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लोग नारा लगा रहे हैं तरह तरह के। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से हम यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ मौजूद लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला और इससे पूर्व राजधानी रांची में अप्रिय घटना घट गई, क्या कहेंगे? आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जाएगा? देखिए, भाईचारा का यहाँ सवाल ही नहीं होता। अगर भाईचारा रहता है मंदिर का भी तो हम लोग आपको झूला वाला है, झूला में लेके कुछ जा रहा है, वही उसी के काम किया हुआ है। अब कौन किया नहीं किया ये तो पता नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा। किसी पर सवाल उठा भाईचारा कहाँ जा रहा है, चारा कहाँ जा रहा है, ये तो सवाल नहीं होता। सही आदमी पकड़ाएगा तब पता चलेगा कि भाईचारा क्या है। आप लोग से हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे मंदिर को खंडित कर दिया गया अंदर मौजूद प्रतिमाओं को, क्या लगता है जो किसका काम हो सकता है? देखिए, यह जो हमारी मंदिर की प्रतिमा को जो तोड़ा गया है, मूर्तियों को जो तोड़ा गया है, यह बहुत बड़ी साजिश के तहत तोड़ा गया है और प्लानिंग से तोड़ा गया है। पूरे देश में आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला के माने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। इसी तहत हम लोग हाउसिंग कॉलोनी में भी यहाँ लोगों के बीच में जन जागरण का काम कर रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं। और यह एक साजिश है, जो देश विरोधी ताकत है इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत हमारे मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। अभी कई मंदिरों में यह मंदिर मूर्ति तोड़ने की घटना आ रही है। बगला मुखी मंदिर में माता की भी मूर्ति की प्रतिमा को तोड़ा गया है और यह एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर प्रशासन समय रहते इस पर एक्शन नहीं लेता है तो देश के हिंदू और रांची शहर के पूरे हिंदू समाज आंदोलित होगा और इसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगी। झारखंड में कई जगहों पर देखा जा रहा है कि मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, रोज ये बात सुनने को आ रहा है। और हमारे ये रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है, खुशी का माहौल है। पूरे देश भर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका तैयारी किया जा रहा है और हर एक जगह सुनने में बार बार आ रहा है कि हमारे मंदिर के मूर्ति को खंडित किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारी अशांति फैलाने वाले लोगों को एक ऊपर तुरंत कार्रवाई करना होगा और तभी यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो ये आंदोलन तो कुछ नहीं है, एक साधारण सा, ये तो एक छोटा सा जलवा है। और अगर ये समय रहते हुए इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि इस हमारे खुशी के माहौल को ये जो लोग इसमें खलल पैदा करने के का तैयारी जो लोग असामाजिक तत्व तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी रात्रि में जब हमारे प्रभु का संध्या आरती के उपरांत जब प्रभु का शयन करवाया गया और उसके उपरांत मंदिर में ताला लगा करके सब अपने अपने घरों में गए भक्त लोग, और उसके बाद अभी एक पूजित अक्षत वितरण का रोज कार्यक्रम चल रहा है और उसमें ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह के निंदनीय कार्य को घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर प्रशासन पूरे जोर शोर से और एक्टिव होकर के
दोषी लोगों को तुरंत चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये आंदोलन पूरा भयावह रूप लेने वाला है। हम सभी हिंदुओं के ऊपर ये, और हम लोग बैठे हुए नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है लेकिन ये लोग प्रशासन के द्वारा, प्रशासन को तो सूचित करने के बाद प्रशासन पूरा एक्टिव होकर के अभी तत्काल, अभी डीएसपी साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, और प्रशासन तो अभी अपना कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे कार्य में इसमें तुरंत डंप टावर से कॉल डंप से निकाल करके लोगों को, उस टाइम ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा घटना होता है तो प्रशासन तुरंत उसको खोज निकालता है, उससे भी बड़ा घटना समझ करके प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको तुरंत चिन्हित करके वैसे लोगों को खड़ा से खड़ा सजा दिया जाए और अविलंब सजा दिलवाने का कार्य किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम इस खुशी के माहौल को किसी को इसमें जहर डालने का नहीं देंगे। प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण करने के बाद अभी और बड़ी पदाधिकारी लोग आ जाएंगे, उसके बाद बात की जाएगी। क्या अंदर क्या प्राप्त हुआ, कौन कौन सी मूर्ति को खंडित किया गया? हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई है, शिव जी की मूर्ति खंडित है, दुर्गा माँ की मूर्ति भी खंडित की गई है, और मुकुट चोरी किया गया, उसके साथ मंदिर खंडित किया गया। कुछ अमाउंट भी बताए जा रहे हैं कि इतने अमाउंट चोरी की, सोने जेवर की भी बात है? हाँ, मूर्ति की जो मुकुट होते हैं वो चुराया गया है, वो उसको चुराने का प्रयास, वो गोल्ड का था या किस चीज का? लोगों की भावना की टीम भी आई हुई है, आई पानी घटना है क्या? एफएसएल की भी टीम भी आई हुई है मैडम, जांच कर रही है। मैडम पूछ रहे, बताइए ना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आइडेंटिफाई हो जाए और जितना फुटेज हम लोग उसको क्लियर निकाल सकते हैं, जितना फुटेज हम लोग को मिल सकता है, उसकी ये टीम लगी हुई है, और उसके साथ में यहाँ पे जो भी एफएसएल की टीम है वो अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लेते हैं। असल भीड़ को हटाने को मिला हुआ है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसकी गिरफ्तारी। सर भीड़ को हटाने के अतिरिक्त फोर्स बुलाए जा रहे हैं या कुछ इस तरह से? कुछ हम लोगों ने निगोशिएट किया है, उम्मीद है कि जाम जल्दी खुल जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली कांग्रेस, लेकिन आज जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर लोग यहाँ मौजूद हैं, भाजपा की महिला मोर्चा की भी सदस्य मौजूद लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की लगातार बरियातू क्षेत्र में घटनाएं असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाती है। पुलिस प्रशासन को सूचना के बाद भी अगर पेट्रोल पंप देख रहे हैं कि मेन रोड में ये मंदिर है, अगर पुलिस का पेट्रोलिंग गाड़ी चलते रहता रात में तो शायद इस घटने को अंजाम नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी कसूरवार है, और जिस तरह से ताले तोड़कर लोगों को हिम्मत की दाद देना पड़ेगा उस सामाजिक तत्वों का कि जो इस तरह से हिंदू आस्था पर प्रहार करने का काम करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं हैं, सड़कों पे बैठेंगे और सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी जवाब दे रहा हूँ। हम आपको विश्व के सरकार से लोग मौजूद है, आक्रोश देखा जा रहा है, जो मंदिर में हो रही हमले के लिए लोगों ने आक्रोश दिखा रखा है, राजधानी नांची समेत कई इलाकों में जहाँ हिंदू आस्था को खेत पहुँचाने